अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम गुलाम मोहम्मद है, मैं रहने वाला मिश्रीगंज का हूँ प्रॉपर। अभी मैं अलमास होटल के पास में हूँ। पिछले 17 साल से मैं दुबई में बिज़नेस कर रहा था होटल लाइन का, और अल्लाह के करम से दौलत भी कमाया, शोहरत भी कमाया। मैं वहाँ का अवार्ड विनर हूँ, दुबई गवर्नमेंट से मेरे को अवार्ड मिला हुआ है। आज से 2 साल पहले मिश्रीगंज के रहने वाले मोहम्मद अजमेरी, अलरमान होटल के मालिक, एक प्रोजेक्ट लेके आए मेरे पास में। भाई, एक हवाले का काम है, दुबई से लीबिया करेंगे। आप दुबई में, आपका अच्छा नाम है, आपको पैसा भी मिलता और इसके अंदर पैसा भी ज़्यादा बनता, और मेरे को भी कुछ कर्ज़े थे। बोला चलो ये काम कर लेंगे, इसके अंदर पैसे बच जाते। बहरहाल हम कर्ज़े करे दुबई से, इन्हों डाले 25 लाख रुपए, हम डाले 1.5 करोड़ रुपये। दुबई से हवाला निकला, लीबिया गया, लीबिया में हवाला लूट लिए, वो पैसे डूब गए। इन्हों रोए पलाए होटल के सामने, निकल के आके अपने कारोबार पे बैठ गए। लोग मेरे को तंग कर रहे थे, तो मेरा जैसा हवाला लीबिया में लूटा, मैं भी एक टीम बनाया अपनी दुबई में, उसी तरीके से मैं भी दुबई में पैसे ले लिया। उसमें कुछ बच्चे पकड़े गए, वो बच्चों के लिए 2 वकील ठहराया, उसका केस चल रहा। ये पैसे भिजाया मैं मोहम्मद अजमेरी के पास में, 2 करोड़ रुपये। अलियाबाद पे पैसे भिजा, 1.60 करोड़ रुपये। अलियाबाद पे जो पैसे भिजाया था मोहम्मद कलीम के पास में, वो पैसे दुबई के कोर्ट के केसों में और यहाँ पर जो बच्चों को देना था उनके कर्ज़ों में, वो पैसे ख़त्म हो गए। रहे पैसे कौन से बचे, 2 करोड़ रुपये अजमेरी के पास में। मेरे को ये आस में रखे इन्हों कि भाई पैसे प्रॉफिट के साथ में आते, आ जाते, कल आते, आ जाते, कल आते, ये पैसे इन्हों नहीं दे रहे, और वो हिसाब में गड़बड़ कर डाले, वो पैसे आधे करे, आधे से भी और कम कर डाले। अजवाद मिस्टर निज़ामबाद, उनके पास में भी मेरे 50 लाख रुपये हैं। उन्होंने मेरे को किडनैप करे, मेरे से ज़बरदस्ती बॉन्ड पेपर कराए, पे स्लिपों पर साइन लिए, उसके बाद में छोड़ दिए। तीसरी बात, मेरी 2.5 एकड़ ज़मीन निज़ामबाद के करीब में एक तांडा है, उसका नाम है फतेह नगर, मेरे वाइफ के नाम पे वो ज़मीन है, उसके पेपर ना रखे हुए है मिस्किन शाह के पास में। ये लोग सब अपना गार्डर बना के मीटिंग कर लेके मेरे पैसे पूरे बांट लिए और खा लिए। लोग मेरे को टॉर्चर कर रहे हैं, मेरी फैमिली है, मेरे को 2 बेटियाँ हैं और 2 दिन पहले मेरे को एक बेटा हुआ, मेरे को ज़रूरत से ज़्यादा टॉर्चर कर रहे हैं। मैं जिसको पैसे दे रहा हूँ, आज अभी से 4 घंटे पहले मेरे को कुछ लोग उठा के लेके गए, मारे, गाली गलौज करे, और हर दूसरे दिन मेरे साथ में टॉर्चर हो रहा। मैं ये टॉर्चर बर्दाश्त नहीं कर सक रहा हूँ। मैं जिस किसी के भी पैसे देना हूँ भाई, आप लोग अलियाबाद पे कल दोपहर तक आ जाइए, और मेरे जो पैसे देना है उन लोग अभी कल दोपहर तक अलियाबाद पे आ जाइए। मैं कल आपको सबको जहर के बाद का टाइम दे रहा हूँ, 1 बजे से लेकर 2 बजे के अंदर। अगर आप लोग 2 बजे तक आके ये सब चीज़ों का टाइम नहीं देंगे और सेटलमेंट नहीं करेंगे, अल्लाह की कसम, मेरे परवरदिगार की कसम, मैं कल सुसाइड कर लेने वाला हूँ। और मैं अभी रात के 2:30 बज रहे हैं, मैं अब किसी को नहीं मिलने वाला हूँ, और मेरा फ़ोन बंद करने वाला हूँ। मैं अब किसी को भी नहीं मिलने वाला हूँ। मैं कल एक कॉल करूँगा मोहम्मद कलीम को, क्या भाई सब आ गए, सब सेटलमेंट हो गया, सब लोग मेरे को टाइम देने के लिए तैयार है, और मेरे जो पैसे हैं बराबर हिसाब करके अगर दे देने के लिए तैयार है तो मेरे पैसे दे दो, मैं कर्ज़े फेर देता हूँ। अगर हिसाब के अंदर तुम ना गड़बड़ कर रहे हैं तो तुम्हारी नस्ल के अंदर फ़र्क है। तुम्हारी परेशानियों को मैं, मेरी परेशानी डाल लेके, मैं मुसीबत उठा के, मैं इतनी परेशानी उठा के ये पैसे हैदराबाद को लाने के बाद में तुम लोग अपना पावर बता रहे हैं। और ये अलरहमान होटल के जो मालिक हैं ना, इन्हों बहुत बड़े आदमी हैं ना, इन्हों और इनके भाई आमिर, ये लोग अपने रसूखात यूज़ करके मेरे को रस्ते में रोक के बोलते हैं, अरे वो भैन के लोड़े, तू अजमेरी से अगर पैसे पूछेगा तो तेरा मर्डर कर देंगे, तो अगर उसकी होटल पे आएंगा या मोहल्ले में आके अगर पैसे पूछेगा तेरा कत्ल कर डालेंगे। ये देने वाले लोग ऐसा डरा रहे हैं, और मैं जिसको पैसे देना हूँ ये लोग भी बोल रहे हैं कि मोहम्मद तू हमारे पैसे नहीं देगा तो हम तेरा कत्ल कर देंगे। लिहाजा भाई, जान पे ही बात आ रही ना, तो मैं जाने से पहले ये मैसेज छोड़ के जा रहा हूँ तेलंगाना गवर्नमेंट के लिए और तेलंगाना पुलिस के लिए। मैं 17 साल कोई इलीगल काम नहीं करा भाई, मेरा कोई केस हैदराबाद में नहीं है, ना मेरा कोई दुबई में केस है। मैं व्यापारी बच्चा हूँ, मैं धंधा करना जानता हूँ, और मैं धंधा करा मैं दोस्ताने में आके मेरे से गफलत हो गई, मैं ये गलती कर दिया, दुबई में हवाले का काम शुरू करा, और हवाले का काम लाने वाला ये मोहम्मद अजमेरी, इन्हें आके मेरे को इतना प्रॉफिट रेशियो बताया, मैं जो है ना ये काम में हाथ डाला और कर्जे करा, और अल्लाह के करम से तकरीबन लोगों के कर्जे फेर दिया। कुछ लोगों के पैसे बाकी हैं, और जो बच्चे जेल में हैं मैं लोगों के लिए पैसे खर्चा करा हुआ हूँ, 2-2 वकीलों को मैं पैसा दिया हुआ हूँ। ये मेरा मैसेज जिसके पास भी पहुँच रहा ना भाई, अगर अल्लाह आप लोगों को ताकत दिया, अगर मेरा साथ दे सकते, और मेरे साथ के जितने भी दोस्त थे मेरे से सब पैसे लिए हुए हैं, मैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग मेरा साथ दियो, या नहीं तो मेरी और मेरे बच्चों की तुम लोगों को हाय लगेंगी, मेरा पैसा खा के किसी और का साथ दे रहे हैं। इंशाल्लाह ताला आज ये मेरी बारी है, कल तुम्हारे साथ हूँगा या तुम्हारी औलाद के साथ हूँगा, कोई बचने वाले नहीं है मेरी हाय बदवा से।